एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पल्लवी प्रिया और मेरे चैनल का नाम है पेशा पल्लवी। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो पे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अफोर्डेबल से सनस्क्रीन के ऊपर रिव्यू लेकर आई हूँ। एंड ये जो वीडियो स्कूल गोइंग गर्ल, ऑफिस गोइंग गर्ल और कॉलेज गोइंग गर्ल तीनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओवरऑल मैं कह सकती हूँ ये वीडियो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सनस्क्रीन एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी को वेयर करना चाहिए। और सन से बहुत सारे हमें स्किन प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि एजिंग की प्रॉब्लम हो सकता है, सन टैन हो सकता है, इसके अलावा हमारी स्किन डैमेज तक हो सकती है। तो ऐसे में हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हमें हमेशा एक अच्छा सनस्क्रीन वेयर करना चाहिए। अब बात आती है कि जो स्कूल गोइंग गर्ल होती है, कॉलेज गोइंग गर्ल होती है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो बहुत सारा पैसा सनस्क्रीन में लगा सके। तो इसके लिए आज का मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं जिस सनस्क्रीन का रिव्यू आप लोगों के साथ करूँगी वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, बजट फ्रेंडली है, एंड इसे हमारी स्कूल गोइंग गर्ल भी बाय कर सकती है। तो चलिए, बातें बहुत ज़्यादा हो गई, देखते हैं यहाँ पे मैं कौन से सनस्क्रीन के ऊपर रिव्यू करने वाली। मैं बात कर रही हूँ VLCC स्किन नरिशिंग सनस्क्रीन लोशन के बारे में। एंड ये जो सनस्क्रीन है, इसको अभी मैंने कुछ टाइम पहले से ही यूज़ करना स्टार्ट किया है। एंड मुझे ऐसा लगा कि सनस्क्रीन के ऊपर एक रिव्यू ज़रूर करना चाहिए। देखते हैं, इसकी पैकेजिंग इस तरीके की है, बहुत ही क्यूट और बहुत ज़्यादा ट्रेवल फ्रेंडली पैकेजिंग है इसकी। इसके अलावा ये जो सनस्क्रीन है, ये आपको SPF 40 प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हमें हमेशा मेक श्योर करना चाहिए कि हम ऐसी सनस्क्रीन लगाएं जिसके अंदर एटलीस्ट SPF 30 ज़रूर हो। तो ये तो आपको SPF 40 दे रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके बाद ये बिल्कुल स्वेट फ्री है ये जो सनस्क्रीन है, एंड आपकी स्किन को नरिश करता है, पैराबिन फ्री है ये सनस्क्रीन। एंड इसके अलावा अगर मैं आपको इसके प्राइस के बारे में बताऊं, तो आपको 50 ग्राम का क्वांटिटी मिलता है 125 रुपीज में, तो हुआ ना बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल। और इसको आप इजीली बाय कर पाओगे। एंड बहुत सारे सनस्क्रीन ऐसे हैं जो 350-400 काफ़ी हाई रेंज के हैं, जिसे हमारी स्कूल गोइंग गर्ल परचेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पॉकेट मनी इतना ज़्यादा नहीं होता है कि वो बहुत सारे पैसे सनस्क्रीन पे लगा सके। तो आप लोगों के लिए ये एक बेहतर ऑप्शन है। इसके अलावा मैं इस सनस्क्रीन के बारे में आपको बताऊं, तो ये ऑल स्किन के लिए सुटेबल है और पैराबिन फ्री है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं वो है नेचुरल, एंड ये आपको प्रोटेक्ट करता है UVA और UVB सन रेज से, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इसके अलावा ये आपकी स्किन को प्रिवेंट करता है टैनिंग से, एजिंग से। अब बात करेंगे कि हमें सनस्क्रीन कितना कब लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए। तो हमें सनस्क्रीन लगाना चाहिए अपने फेस पे आधे घंटे पहले, यानी कि आप जब भी बाहर जाते हो तो उससे पहले आपको आधे घंटे पहले एटलीस्ट मेक श्योर करना है कि आप सनस्क्रीन ज़रूर लगा ले अपने फेस पे। सनस्क्रीन लगाने के बाद आप कोई भी मेकअप लगा सकते हो, मॉइस्चराइज़र, मेकअप, CC क्रीम, BB क्रीम, जो भी आप लगाते हैं आप लगा सकते हैं। और इसके बाद चलिए अब बात करते हैं कि इसका एक्चुअल टेक्सचर किस तरीके का है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से नोजल मिलता है, इस तरीके का आपको ये क्रीमी फॉर्म में मिलता है, और फ्रेग्रेंस वाइज भी बहुत ही प्यारा सा है इसका फ्रेग्रेंस। एंड अब मैं आपको इसको अपने हैंड पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। एकदम मेरी स्किन में ये अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया है और बहुत ही इजीली ब्लेंड होता है आपकी स्किन में, और बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि अगर आप कोई सनस्क्रीन लेना चाहते हो तो आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है और कम रेंज में बहुत ही सही प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। तो आप लोग इस सनस्क्रीन को ट्राई करते हो तो मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एंड इसके साथ ही अगर आपको मेरा आज का ये रिव्यू वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मेरी इस तरीके की बहुत सारी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग जल्द ही मिलेंगे एक नए मज़ेदार से वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक